हेलो एवरीवन, मैं सनी छा। आपने नए वीडियो लेक्चर में जियोग्राफी सब्जेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया को कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं इस चैप्टर को तीन पार्ट में कवर करूंगा। वीडियो देखने के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे बताएं। हमारे मन में पहला सवाल यह उठता है, इज देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द टर्म वेदर एंड क्लाइमेट? तो इसका जवाब होगा यस। ऐसा क्यों? तो कहता है द कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी यूज द टर्म वेदर, वेयर एज द एटमोसफेयरिक कंडीशन प्रिवेलिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वी यूज द टर्म क्लाइमेट। आसान शब्दों में कहें तो वेदर जो है हर एक मिनट में चेंज होता है, और क्लाइमेट शब्द का यूज हम लोग तब करते हैं जब एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 2010 से लेकर 2020 तक पे वेदर कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आए, तो वहाँ पे हम लोग टर्म क्लाइमेट शब्द का प्रयोग करते हैं। वेदर कंडीशन को अगर पता करना हो तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग पैरामीटर्स। हमें कुछ पैरामीटर्स को जानना पड़ेगा, जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का प्रेशर कैसा है, वहाँ का ह्यूमिडिटी कैसा है, वहाँ का रेनफॉल कैसा है, और वहाँ का प्रिवेलिंग विंड्स कैसा है, और भी बहुत सारे चीज़ जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम किसी पर्टिकुलर जगह का वेदर कंडीशन को हम लोग बता पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस, विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन इंडिया? तो इसका जवाब होगा ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इसका रीज़न क्या है भाई? तो कहता है कि दिस इज़ बिकॉज इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल बेल्ट एंड इट्स क्लाइमेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स। अब ये जो टर्म है ट्रॉपिकल और मॉनसून, ट्रॉपिकल और ये मॉनसून शब्द, इसका मतलब क्या होता है मैं उसको आपको बताता हूँ। जो ट्रॉपिकल शब्द है ये एक रीज़न है हमारे अर्थ पे, ये एक रीज़न, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ले के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक का रीज़न, जिसमें इक्वेटर भी आपको आ रहा होगा, ये जो रीज़न जिसमें मैं रेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ, ये जो रीज़न होगा इसे हम लोग ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, और इसी जोन में हमारा भारत लाई करता है। बात करें मॉनसून शब्द की, तो मॉनसून शब्द कुछ नहीं है, बस एक विंड है जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में प्रिवेल करता है, जिसके कारण हमारे भारत में मोस्ट ऑफ द एरिया में बारिश होता है। यह इस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन ना सिर्फ भारत में और भी कई देशों में देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस वर्ल्ड मैप में देख रहे होंगे, भारत के अलावा कुछ और भी ऐसे जगह हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न रीजन, अफ्रीका का मेडागास्कर वाला रीजन, और एशिया में आप इंडिया के अलावा देख सकते हैं कुछ म्यांमार का रीज़न भी है, कुछ चाइना का भी रीज़न है, बांग्लादेश हो गया, ये सब जो रीज़न है जहाँ पर आपको ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। बात करें अगर भारत के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में अगर हमें जानना होगा, तो कुछ भारत से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें ज़रूरी ज़रूरी है हमें उसके बारे में पता होना, जिसके कारण हमें आगे में आगे वाले टॉपिक में हमें समझने में आसानी होगी। इन सभी पॉइंट्स को मैं एक भारत के नक्शे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक भारत का नक्शा है, जिसमें आपको मैं यह दिखाने का कोशिश करूंगा कि भारत कहां से कहां तक लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड तक एक्सटेंड करता है। अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं, भारत 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरुआत होता है और इसका एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में ख़त्म होता है। अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात लैटिट्यूड की बात करूँ, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होता है टुवर्ड्स नॉर्थ, और ये 37 डिग्री 6 मिनट पे ये ख़त्म होता है। और मैं बात करूँ इसके डिस्टेंस की, ये कितना टोटल कवर करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये अराउंड 2933 किलोमीटर कवर करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और नॉर्थ टू साउथ ये टोटल डिस्टेंस कवर करता है ये 3214 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस कवर करता है। जैसा कि हमें पता है भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है, यह अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, और पूरे दुनिया में ये 2.4% लैंड कवर करता है। इतने बड़े लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण भारत में बहुत सारे रीजनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं,
जैसा कि मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बताने का कोशिश करूंगा। जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं, बाड़मेर जो कि एक राजस्थान का इलाका है, पहलगाम जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, आप देखिएगा बाड़मेर में 48 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जून के महीने में आपको दिखाई देगा। अगर आप कंपैरिजन करें पहलगाम में, तो वो 22 डिग्री सेल्सियस दिखाई देगा सेम मंथ में। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, केरला और कारगिल, केरला में 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है विंटर में, और वहीं अगर देखा जाए कारगिल में, तो वो -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। मैं तीसरे एग्जांपल में बताऊं कि जैसलमेर और चेरापूंजी भारत के दो अलग अलग हिस्से में, ये दो रीज़न है जहाँ पे मानसून सीज़न में चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। अगर कंपैरिजन किया जाए जैसलमेर से, तो वहाँ पे 9 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है पूरे साल में। अगर मैं चौथा एग्जाम्पल से आपको बताऊँ केरला और थार डेजर्ट, केरला में अगर दिन और रात का टेम्परेचर का डिफरेंस देखा जाए, तो वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। वहीं अगर थार डेजर्ट का देखा जाए, तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ऐसा इसलिए केरला जो है वो कोस्टल रीजन में है एज़ कम्पेयर टू थार था। डेजर्ट जो कि भारत के इंटीरियर पार्ट में देखने को